लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 3 चरणों का चुनाव अब भी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के बीच तल्खी और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। भाजपा ने कांग्रेस पर कार्टून अटैक पर तीखा हमला बोला, जिसकी अब कांग्रेस ने भी निंदा की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा के महामुकाबले में भाजपा लगातार कांग्रेस पर हिंदुओं की संपत्तियों को लूटकर अल्पसंख्यकों को देने का आरोप लगा रही है। अब भाजपा ने एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वीडियो में राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर को एक महिला से पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते हुए दिखाया गया है। वही कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ कैप्शन के साथ इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के बाद इसे सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। इसी के साथ इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा जहां इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के तुष्टीकरण को दिखाने की बात कह रही है, तो वही भाजपा के सांसद सुनील सोनी कहते हैं कि कांग्रेस के बयानों से स्पष्ट है जिहादियों पर कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की दिशा और दशा कहीं नहीं दिख रही है। वही कांग्रेस भाजपा के इस वीडियो की निंदा करती नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि 4 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा को हार का एहसास हो गया है, इसीलिए इस तरह की वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है। लेकिन अब भाजपा के ऐसे वीडियो का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी, सोनिया जी और उनके बड़े नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर किया है, तो इससे साफ दिखता है कि जिहादियों के साथ में, आतंकवाद के साथ में, नक्सलवाद के साथ में इनका हाथ है और ये पनपने देना चाहते हैं, इसको प्रश्रय देना चाहते हैं। ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है। आज जब नक्सल कमांडर जिस चीज को स्वीकार कर रहा है और ये बैठकर बयानबाजी देकर उसको फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं, इनकी सोच क्या है, ये अपने आप में स्पष्ट हो गया। धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे हैं। जब हार साफ साफ नजर आ रही है तो वो कह रहे हैं कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 4th चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए दोनों ही पार्टियां लगातार सोशल मीडिया और कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा ले रही है। इसी क्रम में भाजपा के वीडियो ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।